रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने आज सुबह से ही जोन कमिश्नर दिनेश कुसरिया, अरुण ध्रुव एवं प्रवीण गहलोत के साथ वार्ड में आ रहे गंदे पानी एवं पीलिया की समस्या को लेकर निरीक्षण किया। वार्ड में गंदे पानी की समस्या एवं पीलिया को लेकर शिकायतें आ रही थी। जनता की शिकायत एवं समस्या को ध्यान पूर्वक सुन जल्द से जल्द समस्या का निराकरण कर विधायक विकास उपाध्याय स्वयं सुबह से जोन कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ वार्ड में गंदे पानी की समस्या एवं पीलिया को लेकर वार्ड पहुंचे। अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने को कहा। इसके पूर्व आमापारा स्वीपर कॉलोनी में भी जब गंदे पानी एवं पीलिया की शिकायतें आ रही थी, तब विकास उपाध्याय द्वारा वार्ड में स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य कैंप कर प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप करवाया गया था। साथ ही गंदे पानी की समस्या का निराकरण भी किया गया था। इस दौरान पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि वार्डों में गंदे पानी की शिकायत एवं समस्या आ रही थी। आज सुबह जोन के एक कमिश्नर दिनेश कुसरिया एवं जोन क्रमांक 5 के कमिश्नर अरुण ध्रुव के साथ मैक कॉलेज के पास आमापारा स्वीपर कॉलोनी, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, रामकुंड, तिलक नगर, पानी टंकी, जनता कॉलोनी, एकता नगर, बमलेश्वरी नगर, आदर्श नगर, पहाड़ी चौक, अंबेडकर नगर, विकास नगर, अशोक नगर, मुर्रा भट्टी गुड़ियारी का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द आ रहे गंदे पानी की समस्या को हल करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता को स्वच्छ एवं साफ पानी मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।